तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। फिलहाल आ चुका एक बहुत ही कमाल का वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डेजर्ट ईगल से वन टैप हेडशॉट कैसे मार पाओगे आप। सो गाइस, आप लोगों का कुछ ऐसा गलती है जिससे आप लोग डेजर्ट ईगल से वन टैप हेडशॉट नहीं मार पाते हो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसा गलतियों के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको आपको सुधारना है, एंड कुछ न्यू 2021 का न्यू तड़कता हो भड़कता हो टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि अगर आप अपना फ्री फायर आईडी में अप्लाई कर लेते हो तो गाइस आप लोग डेजर्ट ईगल से जो वन टैप हेडशॉट मारोगे ना, तो गाइस आप लोगों का फ्रेंड बोलेगा वाह भाई कैसे मार रहा है तू। सो गाइस, बस इस वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखते रहना। जो जो चीज के बारे में बात करने वाला हो बस वो चीज अप्लाई करना है, जो गलती करते हो वो आप लोगों को सुधारना है, जो कि मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बस इस वीडियो को एंड तक देखो, 4 या 5 मिनट का वीडियो है। तो चलो अभी यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डेजर्ट ईगल से वन टैप मारना सिखाते हैं। सो गाइस, पहला जो गलती है आप लोगों का फायर बटन स्लाइड, जो आप फायर बटन स्लाइड करते हो ना, तो गाइस आप लोग क्या करते हो, जैसे कि इधर फायर बटन है, मैं इधर जूम करता हूँ एंड देखो आप लोग ने फायर बटन को जब फायर करते हो तो इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करते हो। मैंने सही बोला ना, ऐसे ऊपर की तरफ स्लाइड करते हो। तो गाइस ये एक आप लोगों का गलती है, पूरा ऊपर ऐसे स्लाइड नहीं करना है। सो गाइस आप लोगों को कैसे फायर करना है अभी यार आप लोगों को दिखाता हूँ, बस एंड तक देखते रहो वीडियो को। सो गाइस ये वाला मतलब क्लिप देख लो, जैसे सामने बंदा है, मैंने वन टैप यहाँ पर हेडशॉट मारा इसको, लेकिन यहाँ पर मैं स्लो मोशन पर दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। फायर बटन को देखो, मेरा फायर बटन कैसे स्लाइड किया, थोड़ी सी लेफ्ट साइड पर तिरछा होकर मैंने स्लाइड किया। अब यार आप लोगों को फायर कैसे करना है ये आप लोगों को प्रैक्टिकल, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ये जो फायर बटन है ना, सिंपली आपको लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी स्लाइड करना है, एकदम सीधा ऊपर नहीं, थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे स्लाइड करना है। इससे वन टैप मारने का जो चांस है ना वो 90% बढ़ जाता है। जी हाँ, 90% बढ़ जाता है। सो गाइस इसको आप एक बार ट्राई करके देखो बस। सो गाइस अगला जो चीज है इसके बारे में फटाफट से हम लोग बात करते हैं। अगला जो चीज है वो है लो एंड डिवाइस वाले के लिए। जो लोग लो एंड डिवाइस यूज करते हैं, अपना जो फायर बटन है ना जितना हो सके नीचे रखो, ठीक है। जैसे मैंने नीचे रखा ना, जितना हो सके नीचे रखो जिससे आप लोगों का स्लाइड करने का जगह मिल जाए, क्योंकि लो एंड डिवाइस ज्यादातर छोटा होता है, इसलिए जितना हो सके आप लोग इसको नीचे रखो जिससे आप लोगों को फायर बटन स्लाइड करने में मदद हो और बहुत ही अच्छे से आप स्लाइड कर पाओ इसको स्मूथली। अब यार और एक चीज है जो कि आप लोगों का गलती होता है, वो भी मैं बताने वाला हूं, अपना फायर बटन का साइज लेके। क्योंकि बहुत सारा बंदा क्या करते हैं, अपना फायर बटन का साइज मतलब क्या ही बताओ आप लोगों को, मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं। अपना जो फायर बटन है ना, कोई कोई बहुत बड़ा रख लेते, कोई कोई बहुत ज्यादा छोटा रखता है, लेकिन ये आप लोगों का गलती है। आप लोगों को अपना फायर बटन जो करना है ना, अपना जो थंब होता है ना, थंब की साइज के हिसाब से करना है, जिससे आप लोग जो स्लाइड करोगे ना वो अपना पूरा थंब परफेक्टली बैठे और इसको आप अच्छे से स्लाइड कर पाओ, एकदम मक्खन की तरह आप जैसे चाहो वैसे स्लाइड कर पाओगे। जब छोटा होगा ना तो अच्छे से आप स्लाइड नहीं कर पाओगे, इधर उधर होगा, ठीक है। सो गाइस ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। अब जो अगला चीज मैं बताने वाला हूँ ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस ये जो चीज है ना, क्लोज रेंज फाइट, आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट मत लो अगर आपके पास डेजर्ट ईगल है, ठीक है। शुरुआत में तो आपको क्लोज रेंज से फाइट लेना शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप सीखोगे। अगर आप लॉन्ग रेंज शुरुआत में ही करोगे ना तो लगेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। जब आप सीख जाओगे ना वन टैप मारना क्लोज रेंज पे, तब आप लॉन्ग रेंज पे मारने की कोशिश करना, दो एक दिन में सीख जाओगे। लेकिन आप लोग अगर शुरुआत में लॉन्ग रेंज फाइट ले तो डेजर्ट ईगल से, तो आप लोग सीख नहीं पाओगे। तो गाइस ये चीज ध्यान में रखना, आप लोगों को हर समय डेजर्ट ईगल से क्लोज रेंज पर फाइट लेना है, इससे हेडशॉट मारने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर जो अगला चीज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस कृपया करके इसको बहुत ज्यादा ध्यान में सुनना और इसको करने की भी बहुत ज्यादा कोशिश करना। ये जो चीज है, आप लोगों का जो क्रॉस ईयर है ना, बंदे की हेड की तरफ रखो हर समय। सो गाइस ये कस्टम का क्लिप है, आप लोगों को इसको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। जैसे कि सामने बंदा है, मैंने इसको मारा, तो अभी यार इसको मैंने स्लो मोशन में आपको दिखाता हूँ। देखो मेरा क्रॉस ईयर, देखो बंदे की हेड के ऊपर गया, उसके बाद जाके फायर किया, ना कि मैंने बंदे के ऊपर बॉडी के लॉक करके स्लाइड किया। जब हेड के ऊपर एम लॉक हो जाएगा ना, तभी आपको फायर करना है। आप लोगों का हर समय क्रॉस ईयर हेड की तरफ रखना है, ऊपर की साइड रखना है। आई होप मेरा बात को आप समझ गए होगे। सो गाइस यही कुछ चीज था 2021 का, जो कि आप लोग ध्यान में रखते हो तो डेजर्ट ईगल से वन टैप हेडशॉट मारना आपसे कोई ज्यादा अच्छा नहीं मार पाए। आप लोगों का फ्रेंड बोलेगा तू कैसे मार रहा है। सो गाइस यही था कुछ चीजें, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर एंड ऑलवेज कीप गुड बाय। उससे सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर सब कुछ कर देना। चलो बाय।